दोस्तों, चाहे अब कमर का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, बदन दर्द हो या फिर आपके घुटने में दर्द हो, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। आजकल के समय में पीठ दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे मुख्य कारण है दोस्तों, हमारा गलत खान पान व हमारा गलत लाइफस्टाइल। यानी कि एक ही जगह पर बैठे बैठे दिन भर काम करने से कमर में दर्द होने लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर कंप्यूटर देखते रहते हैं, तो उनका सारा का सारा वर्क बैठे बैठे ही करना पड़ता है। ऐसे में कमर का दर्द शुरू हो जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते हैं, तो इससे घुटनों में मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना होना चाहिए, तो एक समय आने पर उनके भी घुटनों में दर्द हो जाता है। इसके साथ साथ अगर जोड़ों में ग्रीस की कमी हो गई है तो घुटनों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो कैसा भी दर्द क्यों ना हो, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। आज का यह नुस्खा बहुत ही कारगर है और बहुत ही ज़्यादा इसके फायदे भी हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखनी है। और यदि आपको यह जानकारी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो सबसे पहले आपको जानी है बाज़ार, और बाज़ार से आपको लेकर के आनी है ये दोस्तों हल्दी। आपको कच्ची हल्दी लेकर के आनी है। बाज़ार में जो पिसा हुआ हल्दी आता है, आपको उस हल्दी को नहीं लानी है, कच्ची हल्दी को लेकर के आनी है। और आप इसे धूप में सुखा लीजिए अपने घर पर ही इसे आप पीस लीजिए। कहने का मतलब ये है, आप जो हल्दी लेंगे बिल्कुल प्राकृतिक होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। और यदि आप किसी नुस्खा को बनाने में हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो हल्दी बिल्कुल शुद्ध होना ही चाहिए, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हल्दी को लेकर के आइए, धूप में सुखाइए, इसे आप कूट लीजिए, कूटनी आता है बाज़ार में, ताकि आपको शुद्ध हल्दी प्राप्त हो सके। कूट लीजिए, कूटने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है दूध। आधा गिलास दूध लीजिए, और इस आधे गिलास दूध को क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे उबालना है, बहुत ज़्यादा इसे आप गर्म कर लीजिए। गर्म दूध में आपको यहाँ पर जो आपने हल्दी को पीसा हुआ है, कम से कम एक चम्मच इसकी मात्रा लीजिए, दूध के अंदर डाल दीजिए, अच्छे से इसे मिलाइए। आपको इसका प्रयोग एक दिन में दो बार करनी है। ध्यान रहे, आप जो दूध लेंगे, दूध बिल्कुल गर्म होना चाहिए। गर्म दूध में आपको कच्ची हल्दी का ही प्रयोग करना है। कच्ची हल्दी के बहुत सारे फायदे होते हैं। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो जोड़ों का दर्द है, पीठ दर्द है, कमर दर्द है, कहीं पर सूजन आ गई है, तो उसे दूर कर देता है। इसके अलावा दूध जो होता है दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और हल्दी और दूध मिला करके यदि आप पीते हैं, तो इसके अन्य बहुत सारे फायदे होते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। नींद अगर आपको अच्छी नहीं आती है, तो नींद अच्छी आने लगती है। इसके साथ साथ यह हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो आपको इसे किस तरह से पीना है, आपको इसे बैठ करके नहीं पीना है, खड़ा होकर के धीरे धीरे चाय की तरह आप इसे पीजिए। सुबह और शाम खाना खाने के बाद लगातार एक हफ्ते करके देखेंगे, तो आपको इसका असर दिखाई देगा। कैसा भी दर्द हो, बदन दर्द हो, कमर दर्द हो, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।